तो राधे राधे आप सभी को। कल वीडियो नहीं आने के लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हमारा दो श्लोक तक हमने कर लिया था प्रथम अध्याय, तो अब हम तीसरा श्लोक से शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है अभी। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसको अति आनंद पूर्वक सुनेंगे और अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तीसरे श्लोक से शुरू करेंगे प्रथम अध्याय के। पश्यताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतीम चमूम विविधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब हम इसका अर्थ समझेंगे। इसका तात्पर्य है कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, अर्थात दर्शित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसके अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब दृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। इसका तात्पर्य यह है कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था, अर्थात जिसे जीता ना जा सके। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु श्वेतकेतनः काशीराजस्य वीर्यवान पुरु जी कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युद्धमान्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्नि बोध द्विजोतितम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम ताम ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समित्युञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तेस्तथैव च। मेरी सेना में, अब ये दुर्योधन बोल रहा है, मेरी सेना में आप स्वयं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा वाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन
द्रोणाचार्य को व्याही थी। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। इसका तात्पर्य इस प्रकार है, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अपने पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तत्स्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वद्वेषितां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रदर्शन किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होकर यह उसका दृढ़ निश्चय था। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़ग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे अन्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सज नयनहर्ष कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनघोषे शंखं दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भयेश्च पणवान् क गोमुखाः सह सैवाभ्यन्हन्त स शब्दस्तुमुलो भवत।
तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेते हैरे युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मथु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः, जय सदा पांडुपुत्रों के पुत्रों जैसे की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांच जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रदम्यो महाशंखम भीमकर्मा वक्रोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख भयंकर बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता स्वरूप में स्वीकार करने के लिए इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वक्रोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको कायस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकीस्य पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंख्यादग्नु प्रथक्रप्रथः। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोषु एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अनेक
अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति शलाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। सब होशोद्धार्थ राष्ट्राणाम हृदयानि व्यद्यारत नभश्य पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनु नायदन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं पिङ्कध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। तथा अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक, इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो आज के लिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इसको प्रारंभ करेंगे, जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपने सवाल करता है, तो ये फिर हम अगली वीडियो में इसका साक्षात्कार करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।